रहीम नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ साजिद विरक, आप देख रहे हैं होम टीवी। 12 तारीख यानी 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और बिलाशुबा नर्सिंग का किरदार हमारे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत अहम समझा जाता है। यहाँ तक के बहुत सारे मामलात जो बीमार होने की सूरत में आपके औलाद, आपके वालदैन, आपके अजीज़ व अकरबा मरीज़ का साथ देने से दूर हो जाते हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ एक ऐसा स्टाफ है जो आपकी भरपूर दुराने बीमारी आपकी देखभाल करता है। यूरोपीय ममालिक ने जहाँ तक मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की की है, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी बहुत काम किया है, लेकिन उनसे कहीं पहले मुसलमानों ने इसका आगाज़ कर दिया हुआ था। 7वीं सदी में रफीदा बिनते साद अल सलीमा एक मुस्लिम खातून थी जिन्होंने मक्का मुकर्रमा में जन्म लिया 620 ईस्वी में, और इन्हें इस्लाम में पहली मुस्लिम नर्स और जराह का एजाज़ हासिल है। और इन्होंने ना सिर्फ उस ज़माने में जबकि बहुत लोग कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, और उस ज़माने में भी पूरे मक्का मुकर्रमा में तकरीबन 20 अफराद थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन रफीदा बिनते साद अल असलीमा ये वो खातून है जो उन 20 पढ़े लिखे लोगों में शुमार होती थी। उन्होंने मुतअद्दिद जंगों में और लड़ाइयों में हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पे गजवा खंदक और गजवा खैबर में उन्होंने बतौर नर्स और मुआलज के भरपूर किरदार अदा किया, और इन गजवात में ज़ख्मी होने वाले हमारे नौजवानों को, सिपाहियों को उनका इलाज मुआलजा किया, मरहम पट्टी की, और उनकी सेहत याबी के लिए हर वो इकदाम उठाए जो कि एक मुआलज को करने चाहिए थे। रफीदा की जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जा चुके थे, तो वहाँ जब उसने इस्लाम किया, क्योंकि उससे पहले ये लैला के नाम से पहचानी जाती थी, और ये इदी कुरैश इदी ख़ानदान से बिलोंग करती थी, और इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो इनकी शादी हुज़ैफ़ा से हुई। तो इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अब इस्लाम कबूल कर लिया है, तो क्या ये इलाज मुआलजे को मैं जारी रख सकती हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि आप इसको जारी रख सकती हैं, ये एक बेहतरीन काज है और इसको जारी और सारी रहना चाहिए। अब जहाँ तक ताल्लुक है उनकी तीमारदारी का और नर्सिंग के हवाले से या डॉक्टरी के हवाले से, वो एक ऐसा उनका किरदार है कि जो कि मिसाली है, और उसको यूरोपी लोगों ने भी ओन किया। वो पहली खातून थी जिन्होंने उस ज़माने में 7वीं सदी में एक खैराती हॉस्पिटल का कायम किया, और साथ ही साथ लोगों को फ्री जो है इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की, और इसके साथ वो माहिर मुआशियात भी थी,
मार्केटिंग के हवाले से, तजारत के हवाले से वो बहुत मानी जानी अरब की शख्सियत थी। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत आया तो बेशुमार शवाहद मौजूद हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बसा औक़ात उनसे बकायदा मुशावरत किया करते थे और उनकी इंतहाई अहमियत थी इस्लामिक मुआशरे में। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है यूरोप का, तो यूरोप को भी हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। यूरोप ने भी बहरहाल अपना भरपूर की किरदार अदा किया है, लेकिन ये बात समझने और सोचने वाली भी है कि मुसलमानों ने इलाज मुआलजे का, नर्सिंग का और डॉक्टर्स का इब्तदा जो थी वो 7वीं सदी में की है, जबकि यूरोप ने 18वीं सदी में जाके, आप अंदाज़ा करें कुछ तकरीबन 11 साल बाद आगाज़ किया है। तो अल्सबत ब्लैकवेल एक ख़ातून थी जो कि पहली यूरोपीय डॉक्टर थी, जिन्होंने ब्रिस्टल में अपनी जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने अमेरिका से बकायदा मेडिकल की डिग्री हासिल की। उसके बाद अल्सबत ने 1849 में अव्वल पोजीशन हासिल करने के बाद बकायदा अपनी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाई। वो उसके साथ साथ उसकी छोटी बहन एमल ब्लैकवेल जो है वो भी डॉक्टरी के शोबे से मुंसलिक होगी और उसने भी मेडिकल डिग्री करने के बाद उसके बाद जो है दोनों बहनों ने मिल के ना सिर्फ एक वेलफेयर अदारा कायम किया, साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल के शोबे में भरपूर खिदमात अंजाम दी। जहाँ तक हम बात कर रहे थे मुस्लिम अब नर्स की रफीदा की, तो रफीदा जो थी वो ऐसी मतलब खातून थी जिनको यूरोपीय लोगों ने भी ओन किया, उसका एहतराम किया और आज भी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशंस आयरलैंड जो है वो अपने कामयाब तुलबा को उसके नाम से मंसूब रफीदा अल असलमिया के नाम से एक अवार्ड जारी करती है। और ये सिलसिला वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारी बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कामयाब मेडिकल साइंस के तुलबाओं तालबात को इस अवार्ड से नवाजती है। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और 12 तारीख को जो है इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है नर्सिंग का या मेडिकल स्टाफ का, ये बहुत अहम है हमारी सोसाइटी में। तो इस हवाले से यकीनन वहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं इस पे रोशनी डालेंगे। और इस हवाले से जो इनका मेडिकल शोबे का हमारी जिंदगियों के हवाले से जो अहम किरदार है उसको डिस्कस करने के लिए हम आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो क्यों इस पे तवज्जो नहीं देते, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस शोबे में एक बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है और इस मुआशरे में 22 करोड़ आवाम के मुआशरे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस वक्त इन लोगों की मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।